दक्षिण अफ्रीका में एक नदी है। इसके आसपास शिकारी और शिकार दोनों अपनी अपनी जिंदगी की लड़ाइयां लड़ते रहते हैं। इसका नाम है सैंड नदी। सैंड नदी में बारिश के मौसम की शुरुआत बड़ी धीमी सी होती है। उत्तर की तरफ से बहता हुआ पानी नदी की सूखी तली में पहुंचता है और इससे इस प्यासी जमीन में जान पड़ जाती है। ये नदी जंगल के बीच से रास्ता बनाती जाती है। इसकी लंबाई सिर्फ 50 किलोमीटर है और इसका ज्यादातर हिस्सा दक्षिणी अफ्रीका में मौजूद ग्रेटर क्रूगर पार्क से होकर गुजरता है। अफ्रीका में जो बात इस नदी को बेहद कमाल का बनाती है वो है इसके किनारों पर रहने वाले कई तरह के जानवर। माला माला इलाके में बहने वाली इस नदी की तरफ ये जानवर खींचे चले आते हैं। ये नदी कई महीने बाद भी सूखे के मौसम में भी इन जानवरों को अपनी तरफ आकर्षित करती रहेगी क्योंकि पानी यहाँ हमेशा मिलता रहेगा। अब बारिश का मौसम है और इस नदी में पानी की कोई कमी नहीं। छह साल का यह अकेला तेंदुआ भी नदी के पास आया है। इसे यहां तीन बातें खींच लाई हैं: शिकार, अपने इलाके की हिफाजत और मेटिंग। ये एक बार पहले बाप बन चुका है लेकिन बाकी नर तेंदुओं की तरह ये भी अपने बच्चों की परवरिश नहीं करता। नदी के किनारे चट्टानों के बीच इसके दो बच्चे और उनकी मां रहती है। ये बच्चे फिलहाल तो सुरक्षित हैं, लेकिन ये बड़ी आसानी से दूसरे शिकारियों का निशाना बन सकते हैं। इस खतरनाक इलाके में बच्चों की पूरी जिम्मेदारी मां पर है। इसका इलाका शेरों जैसे दूसरे खतरनाक शिकारियों के साथ बटा हुआ है। पर किसी शेरनी के बच्चों की सारी जिम्मेदारी सिर्फ वही नहीं उठाती। ये सभी मादाएं मिलजुल कर सारे बच्चों का ख्याल रखती हैं। इससे ये उनकी रक्षा अच्छी तरह कर पाती हैं। लेकिन एक बच्चे के लिए जिंदगी मुश्किल है। ये इन बच्चों में सबसे कमजोर है।
इसके भाई बहन इसे परेशान करते रहते हैं, लेकिन माँ इसका ध्यान रखती है। बारिश का ये मौसम बच्चों को जन्म देने का मौसम भी है। हाइनास के इस झुंड पर इस मां का राज है, लेकिन बच्चों की परवरिश ये अकेले ही करती है। मां हाइना नर्म दिल भी होती है और जानलेवा भी। अपने ताकतवर जबड़ों से ये अपने बच्चों को तो बहुत नरमी से उठाती है, लेकिन यही दांत किसी शिकार की हड्डियों को चूर चूर भी कर सकते हैं। तेंदुए के बच्चे 1.5 साल तक अपनी मां की सुरक्षा में रहेंगे। अपने बच्चों की भूख मिटाना और उन्हें सुरक्षित रखना आसान काम नहीं है। खाना ढूंढने के लिए इसे बच्चों को अकेले छोड़कर जाना होगा। ऐसे में ये बच्चे दूसरे शिकारियों का निशाना बन सकते हैं, लेकिन ये बच्चों को तभी दूध पिला सकेगी जब खुद कुछ खाएगी। अच्छी बात यह है कि नदी के नजदीक रहने की वजह से शिकार भी पास ही मिल जाते हैं, पर उन्हें पकड़ना आसान नहीं होता। इम्पाला हमेशा बहुत चौकन्ने रहते हैं। ऐसे में तेंदुए को अचानक हमला करना होता है और शिकार मारने के लिए उसे सिर्फ एक मौका मिलता है। इस मां को कोशिश करते रहना होगा। तेंदुए की शिकार की 4 कोशिशों में से सिर्फ एक ही कामयाब होती है। शेर मिलजुल कर शिकार करते हैं, इसलिए ज्यादा बड़े जानवरों को भी मार पाते हैं। किसी बफलो का शिकार करके झुंड का काम 1 हफ्ते के लिए चल जाएगा, लेकिन 4 फुट से भी लंबे इसके सींग जानलेवा हो सकते हैं। ये जंगली भैंसे अफ्रीका के सबसे खतरनाक जानवरों में से एक हैं। लेकिन यही बात शेरों पर भी लागू है। इस बफलो का पहले भी शेरों के एक झुंड से सामना हो चुका है। ये खुशकिस्मत थी कि इसे सिर्फ अपनी पूंछ ही गंवानी पड़ी। जिंदा बचने वाले जानवरों को सैंड नदी के आसपास खूब खाना मिलता है। कमजोर बच्चे वाली मां की नजर जंगली भैंसों के इस झुंड पर है। Thank you.
सिर्फ एक सींग वाली ये बफलो औरों से पीछे रह गई है। ये मदद के लिए आवाज लगाती है तो और बफलोज यहां पहुंचने लगती हैं। लेकिन एक सींग वाली इस बफलो को अब तक यहां से भाग जाना चाहिए था। इसके पास सिर्फ एक ही सींग है जो इसके लिए काफी नुकसान की बात है। इस बार बफलो का झुंड इसकी पुकार की तरफ ध्यान नहीं देता, लेकिन एक और शेर इसकी तरफ जरूर आ जाता है। शेरों का झुंड आज रात पेट भरकर खाएगा और साथ ही गिद्ध भी। रात का वक्त सैंड नदी के जानवरों के लिए आराम का वक्त नहीं होता। हाइना के झुंड ने अपने से 5 गुना बड़े एक कूडू हिरन को मार डाला है। हालांकि हाइनास को मुर्दाखोर या स्कैवेंजर समझा जाता है, लेकिन वो ज्यादातर अपने शिकार को खुद ही मारकर खाते हैं। असली स्कैवेंजर्स तो शेर हैं। शिकार की 10 कोशिशों में से इनकी सिर्फ 3 कोशिशें ही कामयाब होती हैं। इसलिए ये अक्सर किसी दूसरे का खाना चुरा लेते हैं। ये फीमेल लेपर्ड किसी आसान खुराक को छोड़ेगी नहीं। शेर और हाइना शिकार को लेकर आपस में लड़ रहे हैं और इसी बीच तेंदुए को चोरी करने का मौका मिल जाता है। लेकिन इसे तो एक निवाला भी नसीब नहीं होता। हमेशा की तरह इस बार भी जीत शेरों की ही होती है। माला माला में बहुत सारी बफलोज रहती हैं और बारिश के मौसम में किसी के लिए भी पानी और खाने की कमी नहीं होती। पानी इन्हें ठंडा रखता है और कीचड़ इन्हें कीड़ों से बचाए रखता है। पर इन्हें एक डर हमेशा सताता रहता है। शेर इनसे कभी ज्यादा दूर नहीं होते।
इस भैंसे का वजन 500 किलो से भी ज्यादा है और ये शेरों के इस झुंड को अपने झुंड से दूर रहने की चेतावनी दे रहा है। ये बफलो शेरों से मुठभेड़ के दौरान जख्मी हो गया था तो वो पानी में उतर जाता है ताकि घाव को कुछ ठंडक मिल सके। लेकिन इसे राहत नहीं मिलती। क्योंकि छोटे छोटे अफ्रीकन हेलमेटेड कछुए इसके घावों से मांस खाने लगते हैं। इस तरह इन्हें कीड़ों और स्नेल्स की अपनी आम खुराक के अलावा भी कुछ नया मिल जाता है। इस मां ने एक इम्पाला को मारा है। वो उसे इस पेड़ के ऊपर खींच ले जाती है और इसकी एक खास वजह है। नीचे खड़े हाइना को इसमें से अपना हिस्सा चाहिए। हाइना खाने के मामले में नखरे नहीं करते। ये तो लेपर्ड की छोड़ी हुई हड्डियों और खाल को भी खा जाते हैं। यहां मौजूद गिद्ध शिकार की हड्डियों पर से पूरा मांस साफ कर देते हैं। शिकार में अब इतना कुछ नहीं बचा है कि उसे लेकर हाइना गिद्धों से भिड़े। अब ये अपने पहले वाले प्लान पर चलते हुए पेड़ के नीचे इंतजार करेगा। पेट भर जाने पर ये आराम करने के लिए अपनी माद में पहुंचती है। एक मां की जिम्मेदारियां कभी खत्म नहीं होती। बच्चों की उम्र एक महीने से थोड़ी ही ज्यादा है और ये लगातार दूध पीते रहते हैं। अब ये सो सकती है। जब मां और बच्चा झपकी लेने लगते हैं तब इसके भाई के दिमाग में कुछ और ही है। ये शिकार की प्रैक्टिस के लिए यहां से थोड़ा दूर चला जाता है। ये ज्यादा आत्मनिर्भर होता जा रहा है और ऐसा करने वाला ये अकेला नहीं है। शेर के बच्चों का भी आत्मविश्वास बढ़ रहा है। झुंड का कमजोर बच्चा बाकी झुंड से अलग होकर उस दुनिया की जांच पड़ताल करने निकल पड़ता है जो उसके लिए एकदम नई है। इसका भाई भी इससे आ मिलता है। और फिर वो अपने कमजोर भाई को सताता नहीं है। पहली बार एक नेवले को देखकर ये डर जाते हैं। तभी मां की आवाज आती है।
और ये बहादुर बच्चे घर लौट जाते हैं। कुछ महीने बाद सैंड नदी की तस्वीर बदल जाती है। हवा ज्यादा ठंडी और घास सूखी हो जाती है। कैटरपिलर जैसे कीड़े मकोड़े बारिश का अगला मौसम आने तक जिंदा नहीं बचेंगे, और यही बात यहां रहने वाले कई दूसरे जानवरों पर भी लागू है। हर दिन पानी कम होता जाता है और सूखे का मौसम इस इलाके को अपनी जकड़ में लेता जाता है। घटते पानी की वजह से पक्षियों के लिए मछली पकड़ना और आसान हो जाता है। मछलियों के लिए यह तालाब जेल जैसा बन जाता है। पानी इतना कम हो गया है कि टिलापिया मछलियां इसमें तैर नहीं पाती। लेकिन किसी हैमरकॉप के लिए यह गहराई एकदम सही है। पर मछलियां यहां हमेशा नहीं मिलेंगी। अगर तालाब सूखे तो ये भी गायब हो जाएंगी। जब तक बफलो नदी की तरफ लौटती हैं, इसमें पानी कम और रेत ज्यादा दिखने लगती है। शेरों का झुंड अब भी अपने मनपसंद शिकार पर नजर रखे हुए है। कमजोर बच्चा बड़ा हो गया है, लेकिन वो अब भी शिकार में हिस्सा लेने के लिए तैयार नहीं है। झुंड के बड़े उसके और उसके भाई बहनों के लिए तब तक खाना जुटाएंगे जब तक ये करीब 2 साल के नहीं हो जाते। ये सीखते हैं कि कैसे एक दूसरे पर अपना दबदबा बनाते हैं। ये बच्चा क्योंकि सबसे छोटे साइज का था, तो झुंड में इसका रुतबा भी सबसे कम ही रहेगा। यहां इस मां लेपर्ड ने अपने और अपने बच्चों के लिए एक नया घर ढूंढ लिया है। इसके बच्चे भी अब जरा बड़े हो गए हैं। इनमें से एक मरे हुए वॉटहॉग के साथ पेड़ पर चढ़ने की प्रैक्टिस कर रहा है। इस तरह की प्रैक्टिस आगे चलकर इनके बहुत काम आएगी। इधर इनकी मां सचमुच शिकार कर रही है। ये हिप्पो झुंड की आपसी लड़ाई में मारा गया है। अब ये दूसरों का पेट भरेगा। इसे खाने वाली ये पहली नहीं है और आखिरी भी नहीं। एक शेरनी के आते ही ये समझ गई है कि उससे दूर रहने में ही भलाई है, और इसके यहां से जाने तक इसे इंतजार करना पड़ेगा।
लेकिन शेरनी यहां से जा नहीं रही। और अब तो एक तीसरा जानवर भी यहां आ पहुंचा है। डेढ़ हजार किलो का ये हिप्पो ऐसे और कई जानवरों की भूख मिटाएगा। सैंड नदी कई शिकारियों के इलाके से होकर गुजरती है। इस मेल लेपर्ड के इलाके में एक से ज्यादा मादाएं हैं। नदी के एक किनारे पर एक मादा तेंदुआ अपने बच्चों की परवरिश कर रही है, तो दूसरी तरफ एक दूसरी मादा अकेले ही जिंदगी बिता रही है। इस मादा तक पहुंचने से पहले ही नर को पता चल जाता है कि वो मेटिंग के लिए तैयार है। ये नर के पास जाकर इस तरह जता देती है कि वो मिलन के लिए तैयार है। ये कई दिन तक मेट करते रहेंगे ताकि इसके मां बनने की ज्यादा से ज्यादा संभावना हो। तीन महीने में ही इस नर का दूसरा परिवार शुरू हो सकता है और इसके पहले वाले बच्चों की मां भी दोबारा मेटिंग के लिए जल्दी ही तैयार हो जाएगी। लेकिन तब इसे ये पक्का करना पड़ेगा कि सिर्फ यही उस मादा के साथ मेट करे। शेरों के बच्चे तेजी से बड़े हो रहे हैं। अब कमजोर बच्चा भी अपने भाई जितना ही बड़ा हो गया है, लेकिन खेल के दौरान भी उस पर उसके भाई का ही दबदबा नजर आता है। सारा झुंड इस खेल में शामिल हो जाता है, लेकिन यह मस्ती ज्यादा देर चलेगी नहीं। दो साल का हो जाने के बाद इन बच्चों को अपना पेट खुद भरना होगा और वो वक्त आने में सिर्फ कुछ महीने ही बाकी हैं। तभी सैंड नदी के किनारे पर एक अजनबी आ पहुंचता है। एक और तेंदुआ, और वो भी नर। इसकी उम्र ज्यादा है और इसे एक आंख से दिखता नहीं है। पास ही इसका अपना इलाका है, लेकिन हमेशा ये उसे बढ़ाने की सोचता रहता है। मां जब शिकार पर निकलती है तो बच्चे अकेले ही रहते हैं। अब ये दो साल के होने वाले हैं, लेकिन अगर एक आंख वाले लेपर्ड ने इन्हें देख लिया ताकि उनकी मां इससे मेट करने के लिए तैयार हो सके। बच्चों की किस्मत अच्छी है,
क्योंकि इनका पिता ज्यादा दूर नहीं है और वो अपनी गंध से अपने इलाके की सीमाएं फिर से बना रहा है। फिलहाल तो तेज गंध की वजह से दूसरा नर यहां से दूर ही रहेगा। सूखे के मौसम के दौरान दिन का तापमान कम हो जाता है। नदी में पानी बेशक घट रहा है लेकिन ये अब भी बुशवेल्ट से होकर बह रही है। इसमें हाथियों के पीने लायक पानी मौजूद है और खाना भी फिलहाल काफी है। इस तरह के कमी वाले दौर में हाथी पत्तियों, छाल, यहां तक के जड़ों को भी खा लेते हैं। अपने बड़े आकार की वजह से हाथी शिकारी जानवरों का निशाना नहीं बनते। सूखी घास में आराम कर रही ये फीमेल लेपर्ड इनके लिए कोई खतरा नहीं है। ये हाथी तो इसकी तरफ देखते तक नहीं। लेकिन दूसरे जानवर अब भी इससे चौकन्ने हैं। बच्चे मां को देखकर जोश से भर जाते हैं। आज का दिन बहुत खास है। आज ये अपनी मां से अलग होने वाले हैं। इनके जाने के बाद ये फिर से किसी नर के साथ मेट करेगी और नए बच्चों को जन्म देगी। सूखे का दौर जारी रहता है और सैंड नदी तक पहुंचने वाली दूसरी छोटी मोटी नदियां भी सूख जाती हैं। इससे हर्बिवर्स की मुश्किलें बढ़ जाती हैं। लेकिन इनके लिए जो वक्त मुश्किल है वो शिकारियों के लिए फायदेमंद है। शेरों ने एक जिराफ को मार डाला है। ये भाई शिकार को पेट भरकर खा रहे हैं। इस तरह के जानवर को मारने के बाद इस झुंड को जल्दी ही फिर से शिकार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन शिकार बनने वाले जानवरों को कोई राहत नहीं मिलती है। यहां शेर और कई दूसरे शिकारी सैंड नदी के आसपास बचे जानवरों को मारते रहते हैं। एक आंख वाला नर तेंदुआ अब भी किसी फीमेल लेपर्ड की तलाश में चक्कर काट रहा है और उसे इन बच्चों की मां मिल जाती है। बच्चों के यहां से चले जाने के बाद अब शायद इसके हीट में होने की गुंजाइश ज्यादा होगी। लेकिन ऐसा है नहीं। ये नर को दूर ही रहने की चेतावनी देती है।
तो फिलहाल तो नर की दाल नहीं गलने वाली। अपनी मान में पहुंचने के बाद इस मादा को पास ही तेंदुओं की झगड़ने की आवाज आती है। ये नर है। कभी कभी मादाओं और इलाके को लेकर होने वाले झगड़ों में इनकी मौत तक हो जाती है। दिन निकल आया है। एक आंख वाला लेपर्ड अब भी जिंदा है, लेकिन बुरी तरह जख्मी है। बच्चों के पिता ने अपने इलाके को पूरी तरह से बचाने की कोशिश की। एक आंख वाले के पूरे शरीर पर गहरे घाव हैं और इसने आज एक कड़वा सबक सीखा है। यह अब शायद दोबारा कभी ऐसी कोशिश नहीं करेगा। सैंड नदी सूखे का सबसे बुरा दौर झेल रही है, लेकिन अब भी इसमें थोड़ा पानी बाकी है। झुंड का कमजोर बच्चा और उसके भाई बहन नदी से दूर नहीं जाते, हालांकि वो वक्त भी अब आने वाला है। ये अब बड़े हो चुके हैं और जल्द ही इन्हें अपने बलबूते पर जिंदा रहना होगा, लेकिन इनके पास अब भी अनुभव नहीं है। झुंड आखिरकार इन भाइयों को यहां से निकाल देगा और फिर ये एक साथ रहेंगे और शिकार करेंगे। बच्चे अपनी मां के बिना रहना सीख चुके हैं और ये तो अब एक दूसरे से भी अलग होने वाले हैं। हर एक को सिर्फ अपने ऊपर ही भरोसा करना सीखना होगा। नदी लगातार सिकुड़ती जा रही है और इसमें बड़ी बड़ी बार्बल फिश नजर आने लगी हैं। पानी के बिना यूं तो ये कई कई दिन जिंदा रह सकती हैं, लेकिन इनके लिए भी यहां खतरा है। पानी पीते हुए इस मादा तेंदुआ को कुछ हरकत नजर आती है। अगर ये उस मछली तक पहुंच जाए तो वो एक आसान शिकार साबित होगी और ये कीचड़ इसका रास्ता नहीं रोक पाएगा। कीचड़ में बैठा ये हिप्पो अपने जबड़ों से इसके दो टुकड़े कर सकता है। लेकिन ये भूखी मादा तेंदुआ जोखिम उठाती है। इस एक बार्बल मछली से इसका पेट नहीं भरने वाला, लेकिन कुछ नहीं से तो कुछ मिलना बेहतर होता है। सैंड नदी अब लगभग पूरी तरह सूख चुकी है
अब नदी के किनारे और वाटर होल्स की तरफ और भी जानवर आने लगे हैं। माओं को अब अपने बच्चों और जानलेवा शिकारियों के बीच दीवार बनकर खड़े होना होगा। कई दिन तक चरने के बाद अब बफलोस नदी की तरफ लौट रही हैं। कमजोर बच्चे की मां इनके रास्ते में है। ये यहां शिकार करने के लिए नहीं आई है, बल्कि मेट करने के लिए। ये सिर्फ कुछ देर तक अपने झुंड से अलग रहेगी और ये यहां से हिलने वाली नहीं है। यानी बफलो के झुंड को पानी तक पहुंचने के लिए कोई और रास्ता ढूंढना होगा। और जब ये बफलोज सैंड नदी तक पहुंचती हैं, तो शेरों का झुंड वहां पहले से ही मौजूद रहता है। बाकी सब तो भाग जाते हैं, लेकिन एक मादा बफलो पकड़ी जाती है। लेकिन ये कमजोर नर भी फंस गया है। उसे बफलो के शिकार से जुड़ा पहला नियम याद नहीं रहा कि इनके जानलेवा सींगों से बचना चाहिए। इस शेर के भाई बफलो को जमीन पर गिराने की कोशिश में है और ये लाचार हालत में इसके सींग से लटक रहा है। बफलो सिर हिलाती है तो वो आजाद हो जाता है। ये खुशकिस्मत है कि ये जिंदा है, लेकिन ये चल नहीं पा रहा। ये शॉक में है और जबरदस्त दर्द में भी। इसे तो लेटने के लिए भी काफी कोशिश करनी पड़ रही है। जिन जानवरों ने मुश्किल महीनों को झेला, अब उन्हें इस मेहनत का इनाम मिलने वाला है। सैंड नदी के इलाके में बारिश का मौसम शुरू हो गया है। शुरू में इसकी रफ्तार धीमी होती है,
फिर ये नदी पानी से भर जाती है और धीरे धीरे इस इलाके में जान पड़ जाती है। बारिश के बाद हर कहीं नई जिंदगी नजर आने लगती है। अब न खाने की कमी है न पानी की। हिप्पो एक बार फिर गर्मी से बचने के लिए पानी में समा जाते हैं। बड़े और छोटे हर तरह के जीव बारिश के मौसम का इशारा समझकर बच्चों को जन्म देने लगते हैं। फोम नेस्ट ट्री फ्रॉग्स का ये जोड़ा एक ऐसी जगह बनाने में लगा है जहां मादा अपने अंडे दे सके। मादा एक चिपचिपा तरल छोड़ती है और नर उसे फेंट कर उसमें हाथ पैर मार मार कर एक फोम की शक्ल देता है। इसमें अंडे एकदम सही तापमान पर रह पाएंगे जब तक कि कुछ दिन में उनमें से टैटपोल नहीं निकलते। फीमेल लेपर्ड ने 2 साल तक अपने बच्चों का अच्छा ख्याल रखा और अब वो अपनी देखभाल खुद कर सकते हैं। ये कुछ दिनों तक अकेली रही लेकिन इस वक्त इसके साथ कोई है, इसके इन्हीं बच्चों का पिता। फिलहाल इन दोनों के दिमाग में सिर्फ अगली पीढ़ी को इस दुनिया में लाने का ही ख्याल है। कोई भी दूसरी बात इस नर को इसके मिशन से हटा नहीं सकती। बफलो के झुंड के यहां से गुजर जाने के बाद इनका मिलन फिर से शुरू हो जाता है। तीन महीने में ही ये मादा अपने बच्चों को जन्म दे सकती है। कमजोर बच्चे वाली मां भी मेट करती रही है। ये और इसकी बहन दोनों ही प्रेग्नेंट हैं। इनके बच्चे ही आगे चलकर इस इलाके पर राज करेंगे जैसे इनकी पिछली अनगिनत पीढ़ियां करती आई हैं। पास ही कभी कमजोर दिखने वाला शेर का बच्चा और उसके भाई अब बड़े हो चुके हैं और ताकतवर बन चुके हैं। आने वाले वक्त में ये शेरों के दूसरे झुंडों पर कब्जा करके अपने इलाके को बढ़ाते रहेंगे। सैंड नदी के आसपास रहने वाले सभी जीवों का वजूद इसी नदी पर टिका हुआ है। नदी पर जैसे ही शाम ढलती है इसके किनारों पर शिकारियों और शिकार का एक खेल शुरू हो जाता है। ये यहां के जीवन में वही उतार चढ़ाव लाता है जो इस शानदार नदी के पानी में हर साल आता है।